यात्रा गार्डन के सही एंट्री पॉइंट के बारे में पता करने में हमको थोड़ी मशक्कत लगी, क्योंकि हम 23 जुलाई को ही बाबूजी स्टैचू पर होकर आ गए थे और उधर से भी यात्रा गार्डन में जाने का रास्ता है। सभी को नमस्कार, मैं गगन विश्वकर्मा सन 2002 से सहज मार्ग पद्धति से ध्यान कर रहा हूं और 2014 से मुझे सहज मार्ग प्रशिक्षक या हार्टफुलनेस ट्रेनर की तरह काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे पिछले वीडियो जुलाई 2022 में काना शांतिवनम के मेरे ब्लॉग को देखा, जिसकी लिंक यहाँ मैं दे दूंगा। आज के इस वीडियो में इसी का पार्ट टू लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं काना शांतिवनम में स्थित यात्रा गार्डन की आपको यात्रा करवाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, दिस इज वे टू नॉर्थ ब्लॉक एग्जिट नॉर्थ कैंटीन। तो कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए देखिए, ये चौराहा सुंदर, जहाँ पे आप ये पिलर देखेंगे जिस पे मिशन का एम्बलम बना हुआ है, इस एम्बलम के सामने से यात्रा गार्डन में जाने का रास्ता है। यहाँ से रास्ता है यात्रा गार्डन के लिए, ब्लॉक टूवर्ड्स दी यात्रा गार्डन। ये देखिए एक स्टैचू है। बाबूजी महाराज की पुस्तक सत्य का उदय में हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम बिंदु को एक केंद्र के स्वरूप में दर्शाया गया है और यह केंद्र माया के 5 वृत्तों, उसके बाद अहंकार के 11 वृत्तों और केंद्रीय क्षेत्र के 7 वृत्तों से घिरा हुआ है। जैसे जैसे हम प्रगति करते जाते हैं, इन वृत्तों को पार करते जाते हैं, अलग अलग दशाएं हमको महसूस होती है। तो यात्रा गार्डन के पहले स्ट्रक्चर में इन्हीं 23 वृत्तों को और केंद्र को बनाया गया है। यहाँ फ्लोर पर सारे वृत्त दिखाए गए हैं, जैसा कि मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था। और ये एक इब्लू टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी ये देखिए ऊपर ऐसा गुम्बद जैसा आकार दिया गया है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। और ये देखिए सारे वृत्त हैं ये, और केंद्रीय क्षेत्र पर आप देख पा रहे हैं भावना बैठी हुई है। तो यहाँ जब इस सेंटर पर हम बैठकर जो भी बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे तैयार किया गया है कि वो आवाज़ हमको इको की फॉर्म में सुनाई देती है। और इस सेंटर पॉइंट पर बैठकर हमने ओंकार का एक्सपीरियंस किया। आजा मेरे योगीराज, आंख बंद करके अच्छे से फील करना कैसा लग रहा है, बोलो। लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ एक अनोखे वाइब्रेशन को फील करके हम आगे एंटर कर रहे हैं यात्रा गार्डन में। ये देखिए यहाँ पे बहुत डेंस झाड़ियाँ बनी हुई हैं, बट यहाँ हमको नहीं जाना, हमको जाना इस रास्ते पे। सहज मार्ग फिलोसफी या हार्टफुलनेस अप्रोच के अनुसार हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान 13 चक्रों से होकर गुजरते हैं। इस यात्रा गार्डन में इन्हीं 13 चक्रों को भौतिक रूप से बनाया और दर्शाया गया है। यहाँ देखिए येलो कलर के पौधे दिखाई दे रहे हैं, और येलो कलर या पीला कलर जो है वो होता है हमारे चक्र एक का कलर। हर एक चक्र का एक यूनिक रंग और किसी न किसी प्राकृतिक तत्व की प्रधानता होती है, जैसे कि इस चक्र एक का जो तत्व है वो है पृथ्वी। और ये देखिए इसलिए यहाँ पे इसको पीले पत्थरों से बनाया गया है, और ये गोलाकार संरचना जो दी गई है ये कहीं ना कहीं पृथ्वी को प्रदर्शित करने का प्रयास है। प्रत्येक चक्र पर उनके तत्वों के अनुसार विपरीत गुणों की एक जोड़ी होती है, जैसे कि चक्र एक का तत्व है पृथ्वी। तो यहाँ चक्र एक पर पसंद नापसंद, नाराजगी एवं दया, कामुकता, अपराध बोध जैसी दशाओं पर काम करना सीखते हैं। ये देखिए ये है मेनका, और ये विश्वामित्र जी का तप भंग कर रही हैं।
विश्वामित्र एवं मेनका का प्रसंग इस बिंदु की दशाओं के प्रभाव और परिणाम को समझाता है, इसलिए यह मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई। तो इस तरह चक्र एक के प्रभावी गुण हुए संतोष एवं असंतोष। तो चलिए अब हम दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते के टाइल्स में भी आप देखिए कि कलर का ट्रांजिशन होता दिखाई देता है, क्योंकि चक्र दो का रंग है लाल। तो जैसे जैसे हम चक्र दो की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे रास्ते के टाइल्स लाल होते जा रहे हैं, क्योंकि चक्र दो है आत्मा चक्र। इसमें आकाश के गुण प्रधान है और इस चक्र का लाल रंग होता है। चक्र दो आध्यात्मिक हृदय है, यहाँ हम शांति, हल्कापन, स्थिरता व आत्मा के आनंद के साथ आगे बढ़ने की तड़प होने के कारण अशांति का भी अनुभव करते हैं। देखिए, ये चक्र दो को लाल पत्थरों से बनाया गया है और इसके आसपास लाल पेड़ों को भी लगाया गया है। मुझे लग रहा है यहाँ शायद कुछ और बनाया जाना बाकी है। और ये देखिए, लाल पेड़ रास्ते के चारों ओर लगे हुए हैं। और जैसे हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ फिर देखिए लाल टाइल्स सफेद कलर में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि चक्र तीन का रंग है सफेद और चक्र तीन पर अग्नि तत्व का गुण प्रधान होता है। देखिए, कमाल की बात तो ये है कि दादी ने यहाँ जो पेड़ लगाए हैं उनकी पत्तियाँ भी कुछ सफेदी लिए हुए हैं। चक्र तीन पर हम प्रेम व क्रोध दोनों का उपयोग करना सीखते हैं। इस चक्र पर अग्नि का पावक प्रभाव हमें रूपांतरित होने में मदद करता है। इस चक्र के दो विपरीत गुण हैं संवेदना और अप्रसन्नता। एक उदाहरण से समझें, यदि आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो इट मे कॉज इरिटेशन। वाह, लोटस पॉन्ड, कितने सुंदर लोटस लग रहे हैं यहाँ पे। क्या है, फिश है क्या उसमें? हाँ, चलिए अब चक्र चार की तरफ चलते हैं, जिसमें जल तत्व प्रधान होता है और चक्र चार का रंग काला होता है। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। वाओ, पप्पू क्या है ये? पप्पू क्या है ये? वाटरफॉल। क्या है ये? जल का प्रभाव सुखदायक और शांत होता है। अग्नि के साथ प्रेम के लिए बेचैन रहने की जिस अवस्था का हमने अनुभव चक्र तीन पर किया था, वह अब शांत हो जाती है। इस चक्र के विपरीत गुण हैं साहस और अनुत्साह या साहस और भय। चलिए अब चक्र पांच की तरफ चलते हैं, जिस पर वायु तत्व प्रधान होता है। यह है ग्रीन कलर का पॉइंट। नेक्स्ट, फिफ्थ। हाँ, वेरी गुड। चक्र पांच के गुण होते हैं लाइटनेस यानी हल्कापन, स्पष्टता यानी क्लैरिटी, बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस। जिस तरह वायु हमेशा प्रवाहित होती रहती है, हम नहीं जानते किस दिशा में चलेगी, इसी प्रकार चक्र पांच पर काफी भ्रम हो सकता है। चक्र पांच के विपरीत गुण हुए स्पष्टता और अस्पष्टता। सो नाउ वी हैव क्रॉस्ड हार्ट रीजन एंड फ्रॉम हार्ट रीजन वी आर एंटरिंग टू माइंड रीजन। अपनी यात्रा को जारी रखते हुए हम मनस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसे ब्रह्मांड मंडल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र असीमित ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा के इस भंडार में से चक्र छह वह स्थान है जहां से शक्तियां वितरित होती हैं। यात्रा के इस चरण में मार्गदर्शक या गुरु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चक्र छह और सात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे साहित्य में चक्र सात को दुर्वासा नाम दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अधिक शक्ति विद्यमान होने के कारण हम कभी लापरवाह भी हो सकते हैं। चक्र सात पर परमानंद का ऐसा सुखद एवं मोहक एहसास होता है कि बहुत गंभीर जिज्ञासु भी इसी पर अटक कर रह जाते हैं। तब हमें मार्गदर्शक
या गुरु आगे ले जाते हैं। अब हम आ गए हैं चक्र आठ पर, जिसका पहला भाग ब्रह्मांड मंडल और दूसरा भाग पर ब्रह्मांड मंडल में है। चक्र आठ पर हम निरर्थक चीजों में रुचि खो देते हैं। यह वैराग्य जबरदस्ती थोपा नहीं जाता, बल्कि पूर्णतया स्वाभाविक होता है। मैं तो आगे निकल गया था, मगर भावना ने मुझे वापस बुलाया और चक्र आठ के बारे में एक विशेष बात बताई। हटना जरा, मैं देखूं यहाँ पे समझ में आएगी एग्जैक्टली आवाज गूंज रही है नहीं गूंज रही है। हेलो, अरे वाह बेहतरीन। हेलो, सिर्फ इस पॉइंट पे खड़े होते हैं तो वॉइस जो है वो इको कर रही है, और यहाँ इस पॉइंट से जब जैसे ही बाहर आए देखो इको होना बंद हो गया। अगेन मैं फिर एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे जैसे मैं खड़ा हुआ देखिए, हेलो 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 इको, और ये देखिए आवाज गूंज रही है, और जैसे ही मैं यहां से आगे निकला जो आवाज इको कर रही थी वो नहीं कर रही है। ये कमाल है इन पॉइंट्स का। सबसे विशेष बात ये कि कोई भी कवर्ड स्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी इको हो रहा था। वाह। चक्र 9 पूर्णतया समर्पण और विनम्रता के बारे में है। संस्कृत में समर्पण को प्रपन्न कहा जाता है। हनुमान जी समर्पण का प्रतीक है, इसी वजह से इस बिंदु को हमारे साहित्य में हनुमान चक्र भी कहा गया है। चक्र 9 में ईश्वर की मौजूदगी का एहसास बढ़ता जाता है और अपना अस्तित्व मिटने लगता है। यहाँ पे ऐसा रखा है ये। थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगली बार यदि आप यहाँ आएंगे तो ये सब चीजें एस्टेब्लिश मिलेंगी। अब हम आ गए हैं चक्र 10 पर। पिछले चक्र 9 में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अब चक्र 10 पर ईश्वर के साथ चरम समीप्यता में बदल जाता है। यहाँ एकाकार की अवस्था आ जाती है। चक्र 10 पर दोनायमान अवस्था आती है, इसलिए इसे प्रपन्न प्रभु कहा जाता है। इसका मतलब है चक्र 10 पर हमारी दशा प्रपन्न और प्रभु के बीच में पेंडुलम की तरह परिवर्तनशील रहती है। चक्र 10 और 11 के बीच हजार पंखुड़ियों वाला कमल सहस्त्र दल कमल है। यहाँ इस वातावरण में आनंद का अनुभव अपनी भूमिका अदा करता है और आध्यात्मिक पथिक को महसूस होता है कि वे मंजिल पर पहुंच गया है। केवल योग्य गुरु की सहायता ही उसे आगे की यात्रा में अगले चरण तक पहुंचा सकती है। चप्पल उतारना गोपाल। सहस्त्र दल कमल में होने वाली आनंद अनुभूति से बाहर निकलना एक आघात महसूस हो सकता है, क्योंकि चक्र 11 पर शांति पूरी तरह से चली जाती है। उसके स्थान पर ईश्वर से मिलने के लिए बेचैनी पैदा हो जाती है। बाबूजी महाराज ने 11वें चक्र के बारे में लिखा है कि ऐसे समझ लो कि शांति की दशा में से शांतिपन खींच लिया जाए और फिर जो चीज अनुभव में आए वही दशा इस ग्रंथि पर पहुंचने पर हो जाती है। 12वें चक्र को लय चक्र भी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र इसी चक्र के ऊपर होने के कारण इससे आगे जाना चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसके लिए पलायन वेग से अत्यधिक तेज गति की जरूरत होती है, और ऐसा सिर्फ समर्थ गुरु की सहायता से ही संभव है। यहाँ मनस क्षेत्र की यात्रा समाप्त होती है और आगे की यात्रा हमें केंद्रीय क्षेत्र में ले जाएगी। अब हम केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। सन 1944 में बाबूजी महाराज ने इस क्षेत्र के बारे में लिखा था, यहाँ हमारी सारी गतिविधियों का अंत हो गया है और हम अपने शुद्ध रूप में ईश्वरी क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, स्व से साक्षात्कार यानी परम तत्व से एकीकरण हो गया है। इस वीडियो का सरल और सटीक वर्णन करने के लिए मैंने सहजमार्ग लिटरेचर्स की मदद ली, जैसे कि रामचंद्र की संपूर्ण गतियां भाग एक के हिंदी और इंग्लिश एडिशन। इसके साथ ही साथ 24 जुलाई 2022 को मिले ये संदेश की मदद भी मैंने ली, और सबसे ज़्यादा मदद मुझे करी ये हार्टफुलनेस मैगजीन के कलेक्टर्स एडिशन ने। यदि आप ये बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो HFN लाइव पर ऑनलाइन ये मिल जाएंगी।
इसके अलावा भी यदि कोई त्रुटि आपको महसूस होती है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और उसे प्लीज़ निगलेक्ट करें। और थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहे यही मेरी कामना है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।